तो कैसे हो मेरे भारतीयों? आज हम एक इंग्लिश वर्ड रेंज का मतलब जानेंगे हिंदी में। तो देखो, रेंज का मतलब होता है वैरायटी ऑफ चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूँ तो वैरायटी ऑफ चीज़ें मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कि सेम नहीं है, अगर उसको आप एक क्लस्टर बनाते हो या फिर कलेक्शन में रखते हो या फिर लिमिट सेट कर देते हो कि ब्ला 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 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, तो उसको आप रेंज कह सकते हो। अगर मैं आपको और भी अच्छे समझाते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा रेंज ऑफ कलर्स। तो उसका ये मतलब है कि रेंज मतलब कि विभिन्न कलर्स में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब विभिन्न कलर्स है उसमें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है उसमें, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो उसको आप रेंज बोल सकते हो। ये हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकेंड केस में, जहाँ पे आप रेंज यूज़ कर सकते हो। देखो, रेंज को आप माउंटेन्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पहाड़ को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर कैटल्स जहाँ पे घास खाते हैं, मीन्स गाय बकरी जहाँ पे घास खाते हैं, जो खेत होते हैं घास वाले, उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए आप रेंज यूज़ कर सकते हो। रेंज का नाउन फॉर्म में आप माउंटेन या फिर कैटल जहाँ पे घास फूस खाते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये नाउन फॉर्म है रेंज का। ठीक है, और वर्ब फॉर्म में रेंज आप सेट ऑफ डिफरेंट थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ मिलके एक जो चीज़ बन रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। द स्टोर ऑफर्स द लिविंग रूम सेट इन अ रेंज ऑफ कलर्स। ये दुकान लिविंग रूम बहुत सारे विभिन्न कलर्स में ऑफर करते हैं।